मैं AWL 171 क्वांटिटी होल्ड करता हूँ, एवरेज रेट 400 रुपीज। तो आगे के लिए क्या प्रोजेक्शन रखना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्योंकि रेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहे हैं और कुछ भी पॉजिटिव न्यूज भी नहीं मिल रही है अडानी ग्रुप की तरफ से, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? कब से होल्ड कर रहे हैं आप अदानी विलमिल को? जी 2 मंथ से होल्ड कर रहा हूं मैं। और ये 400 एवरेज प्राइस इनकी आ चुकी है। मंदार क्या सजेस्ट करेंगे, अदानी विलमिल होल्ड करने लायक शेयर है या फिर निकल जाए? अभी एवरेज कॉस्टिंग की 400 पर ऑलरेडी आ चुकी है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है अभी फिलहाल, एक तेजी के लिए अभी भी रिस्क ले सकते हैं या फिर निकल जाना समझदारी होगी? पूजा जी देखिए, मुझे लगता है कि पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए AWL के केस में, और ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बेस बना रहा है, यानी इसमें जो हमें बिक वाली देखने को मिली हाइडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, वो तो मुझे लगता है कि रुक गई है, उसमें अब दिक्कत वाली बात है नहीं। अब करंट लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, 320-350 ये सपोर्ट बनता है इस स्टॉक के लिए, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 470 से लेके 490 इस तरीके का रेजिस्टेंस बैंड है, तो 100-150 पॉइंट का रेंज है कि जिसमें ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये दो लेवल्स का यूज करके इसके बीच में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, यानी 350 के आसपास आता है तो आप बाय कीजिए, आपका 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में ये चलता है 450-470 तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, इस तरीके का शॉर्ट टर्म व्यू से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरी राय रहेगी 300 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए, फिलहाल स्टॉक बेस बना रहा है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये 470-490 का, ये जब ब्रेक करेगा तब आपको इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलने वाला है। तो ये जो बेस बनाने की फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन होता है ये कम से कम 3 से 6 महीने का होता है शॉर्ट टर्म चार्ट पे, तो 3 से 6 महीने ये व्यू बनाए रखिए कि यही लेवल्स पे ट्रेड करेगा, जब भी ये 470-490 ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए, तब हम इसे रिव्यू जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल 300 का स्टॉप लॉस रखना है और होल्ड करना है। ये है सजेशन अदानी विलमर पर, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा लेकिन एक ऊपर की तरफ तेजी दिख सकती है स्टॉक में, थोड़ा समय दीजिए और